नमस्कार, कॉटन कॉम्प्लेक्स मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज 6 जनवरी। सबसे पहले कॉटन कॉम्प्लेक्स आउटलुक के लिए हमने एक वेबिनार रखा है 8 जनवरी को शुक्रवार को 12 बजे। इस वेबिनार में हम फंडामेंटल टेक्निकल एस्पेक्ट पूरे ही कॉटन कॉम्प्लेक्स में देखेंगे और साथ में देखेंगे कॉटन सीड ऑयल केक में जिस ढंग से तेजी आई है, क्या ये तेजी आगे भी जाकर कंटिन्यू रहेगी क्या। इसमें रजिस्टर करने के लिए नीचे दिए गए नंबर और लिंक पर आप रजिस्टर कर सकते हैं। कल के सेशन की अगर बात करें तो कल के सेशन में हमने कॉटन में तो सुस्त कारोबार देखा है, बट इंटरनेशनल में अगर हम देखें तो प्राइजेस 80 सेंट का लेवल छू चुकी है। कपास में भी पोजिशनली मार्केट काफ़ी स्ट्रांग दिखा रहा है, जो 1280 से 1300 तक का भी लेवल दिखा सकता है। कल भी हमने प्राइजेस 1220 के ऊपर क्लोज होते हुए देखे हैं। वहीं कॉटन सीड ऑयल केक में कल हमने मिला जुला ट्रेड देखा था मॉर्निंग सेशन में, बट लेटर इन द डे मार्केट में रिकवरी आई और शॉर्ट कवरिंग के चलते प्राइजेस 2100 का लेवल पार कर गया। जैसे हमने 2020 के ऊपर बताया था कि प्राइजेस अगर 2020 के ऊपर निकलता है तो हम 2080-90 तक का लेवल देख पाएंगे। सिमिलर काइंड ऑफ एक पैटर्न हम कॉटन सीड ऑयल केक में 2120 के ब्रेकआउट पे देख रहे हैं, जो करीबन 2160 से 2180 तक का लेवल दिखा सकता है। और इनफैक्ट कल के सेशन में शॉर्ट कवरिंग प्राइजेस को एक सपोर्ट भी दे रही है। थोड़ा बहुत हम प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं मार्केट में, तो उससे घबराना नहीं है, क्योंकि ओवरऑल जो प्रोडक्शंस के अपडेट्स आ रहे हैं, यूएसडीए ने भी बताया कि इंडिया का कॉटन प्रोडक्शन करीबन 29.3 मिलियन बेल्स रहेगा। साथ में हमने देखा क्वालिटी इशू, हमने काफ़ी जगह बात भी की है, तो सब जगह इम्पैक्ट यही आ रहा है कि क्वालिटी इशू काफ़ी देखा गया, खास करके तेलंगाना और साउथ साइड में। वहीं इंटरनेशनल मार्केट में भी सेंटीमेंट धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। जिस ढंग से हॉलीडे के बाद मार्केट्स ओपन हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सेंटीमेंट इंप्रूव करेगा। वैक्सीन्स आ चुकी हैं, इंडिया में भी 13 जनवरी से वैक्सीन्स का देना चालू हो जाएगा, जिसके चलते टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इंप्रूवमेंट देखी जा रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार रिटेल इंडस्ट्री में एक अच्छी खासी तेजी 2021 में आ सकती है और इसका सबसे ज्यादा लाभ टेक्सटाइल सेक्टर्स को भी होता हुआ दिखाई देगा। तो कॉटन की डिमांड कंटिन्यू बनी हुई रहेगी और खास करके कॉटन सीड ऑयल केक की अगर बात करें तो हमें लगता है कि फरवरी और मार्च में सप्लाई गल्ट काफी हो सकता है, सप्लाई में काफी ज्यादा टाइटनेस हो सकती है, जो प्राइजेस को एक नए हाई की तरफ ले जा सकती है। बट टाइमिंग अगर हम जनवरी महीने की बात करें तो धीरे धीरे रुक रुक के सप्लाई मार्केट में आती रहेगी और प्राइजेस को चेक करती रहेगी। तो टेक्निकली अगर हम देखें तो 2000 के ऊपर काउंटर काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, जो करीबन 2160 से लेकर 2240 तक का लेवल देख सकेंगे। टेक्निकली भी अगर हम बात करें तो आइस कॉटन 80 का एक सेल्फ रेजिस्टेंट बना हुआ था, चैनल लाइन का हाई था। हमारे भी एक्सपेक्टेशन था कि इसको इतनी जल्दी नहीं तोड़ेगा, मार्केट थोड़ा पुल बैक कर सकता है, बट अगर आप देखेंगे तो 200 डे और 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। वॉलिटिटी और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और ब्रेकआउट दे चुका है जो 80-40 तक का लेवल दिखा सकता है। पर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कभी भी मिल जाए तो घबराना नहीं है, जब तक प्राइजेस 78 सेंट के ऊपर है ट्रेंड पॉजिटिव है। वहीं कॉटन सीड ऑयल केक में बिल्कुल ध्यान रखना, ये एक पैटर्न बना हुआ है जिसको हम कप एंड हैंडल बोलते हैं। अगर प्राइजेस 2150 के ऊपर होल्ड कर गया तो हम 2220 से लेकर 2400 के भी नए हाई तक जा सकते हैं, बट ये पैटर्न वैलिड कब तक है, जब तक प्राइजेस 1980 के ऊपर मेंटेन है। प्राइजेस 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, जो कहीं ना कहीं संकेत पॉजिटिव देता है। तो बिल्कुल कॉटन सीड ऑयल केक में लेके चलना है, बिकवाली बिल्कुल नहीं करनी है, जो भी ड्रॉप मिले इसे लेकर काम करना है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट टाइम टू टाइम लाते रहेंगे। साथ में ये शुक्रवार को कॉटन सीड ऑयल कॉम्प्लेक्स के ऊपर हम एक वेबिनार रखें, उसमें पार्टिसिपेट जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर।